27 जून को शुरू हो रहे बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सरकार को किस तरह से घेरना है इसको लेकर बीजेपी ने 17 जून को विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक से पहले कटारिया के आवास पर गुरुवार को भी बैठक हुई और इस रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में कटारिया के अलावा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक सतीश पूनिया और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। मोटे रूप में 17 तारीख को हमने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है, उसमें हम आगे की रणनीति तय करेंगे कि हमें विधानसभा में किस में कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे डिपार्टमेंट कुछ अच्छे लोगों को पहले से देंगे ताकि उस डिपार्टमेंट की हर प्रकार की तैयारी, उसके हर विषय को ठीक प्रकार से रखना और उसके बारे में प्रश्न पूछना, वो और उसकी टीम, मतलब एक के साथ दो तीन लोगों को लगाएंगे तो हमारे जो 73 लोग हैं वो 73 किसी न किसी के साथ किसी न किसी सब्जेक्ट के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी करें। विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए विधायकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए बीजेपी अपने विधायकों की अलग अलग टीमें बना रही है। राजस्थान में बजरी माफिया बेखौफ है, कभी धौलपुर के अंदर पुलिस अधीक्षक पर गोली चलाते हैं, कभी पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारते हैं। अब तो इंतहा हो गई जब राजस्थान की राजधानी में एक व्यक्ति ने विरोध किया कि हमारे इस कॉलोनी से आप अवैध ट्रक लेके नहीं जाओगे, हमारी सड़क टूटती है, तो उसे चेतावनी देकर कुचल के मार डाला। कहीं ना कहीं बड़ा गठजोड़ है, सरकार बजरी की नियमित तौर पर कानूनी तौर पर वैध बजरी प्रारंभ हो इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। न्यायालयों के अंदर मामला उलझता चला जा रहा है। अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम इस जन समस्या का निराकरण शीघ्र से करेंगे, पर सरकार अपने वादे से मुकर रही है अपने नापाक गठजोड़ के कारण। बीजेपी की इस रणनीति के मुताबिक पुराने दिग्गज नेताओं के साथ नए विधायकों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। विधायक अपने विभाग के बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे और फिर विधानसभा में सरकार को घेरेंगे। स्वाभाविक रूप से ये दबाव तो अब इस सरकार पर निश्चित रूप से रहेगा। एक तो जनमत का दबाव साफ तौर पर दिखता है कि जनादेश कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। दूसरा, सदन में पिछली बार जिस तरीके से सदन छोड़ के कांग्रेस पार्टी की सरकार को भागना पड़ा, कई मुद्दों पर उनके पास जवाब नहीं था, और जिस तरीके से सत्ता की रस्साकसी साफ तौर पर दिखाई देती है, जो दो ध्रुव साफ तौर पर दिखते हैं, तो मुझे लगता है सदन में इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा, सड़क पे भी मिलेगा, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भी दिख रहा है, दफ्तर कमरों के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। तो निश्चित रूप से सरकार पर एक नैतिक दबाव निश्चित रूप से रहेगा कि जो जनता से वादे किए वो पूरे नहीं किए, जो योजनाएं सरकार ने लागू करी थी अन्नपूर्णा से लेके राजश्री से लेके भामाशाह से लेके तमाम ऐसी नीतियाँ थी जिसके कारण राजस्थान के जनता को एक सहूलियत थी, तो वो जनता जवाब निश्चित रूप से मांगेगी और कांग्रेस को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बीजेपी जिस तरह से आक्रामक रणनीति तैयार कर रही है और जनता से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार से विधानसभा में जवाब मांगने की तैयारी कर रही है, उससे ये तो साफ है कि विधानसभा का सत्र हंगामेदार होने वाला है। अंकित तिवाड़ी, जी मीडिया, जयपुर।